घाटी में आए दिन आतंकवादियों की मरने की बात सामने आती रही है, लेकिन कुछ दिनों से एनकाउंटर में मरने वाले आतंकवादियों के बारे में जाना जाए तो बड़ी ही चौंका देने वाली बात सामने आ रही है कि जितने भी ये एनकाउंटर में मरने वाले आतंकवादी हैं, ये सब वेल क्वालिफाइड हैं और ज्यादातर कश्मीर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बेहद कम उम्र के छात्र हैं। परेशानी का एक मामला बन गया है। हमने भी इस बार पाया है कि जो मिलिटेंट हाल ही में एनकाउंटर में मारे गए वो पढ़े लिखे थे और ज़्यादातर उनमें से इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुर और कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट्स थे। कम से कम उनमें से जो पढ़ा लिखा था वो 12वीं पास था। कई आतंकवादी जैसे मशीउल्लाह खां, सैफुल्ला आहंगर, साजद यूसुफ, उमर एहसान के पास पेशेवर डिग्री के साथ साथ कई अच्छे हुनर भी थे, फिर भी उन्हें ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। ये बहुत हैरतमंद है। इस पर यासीन मलिक, जो जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इसे सचमुच चिंता का विषय बताते हुए कहा कि जो लड़के इस एनकाउंटर में मारे गए हैं वो 2009 और 2010 के दौरान गैर हिंसक थे। फिर किस बात पर निराश होकर उन्होंने इस लाइन को चुना, ये समझ से बाहर। लड़के हैं पढ़े लिखे, ये मायूस हो जाएंगे इस पुरमन तहरीक से और ये बंदूक की तहरीक की तरह चले जाएंगे। इसलिए इसमें जो मैसेज है उस मैसेज को संजीदगी से लिया जाए, ताकि अगर इंसान के अंदर संजीदगी पैदा होती है तो वो फिर संजीदगी से मसाइल को हल कर सकता है। ये लोग किस वजह से, किस मकसद से इन्होंने ये खतरनाक रास्ता इख्तियार किया, इसके पीछे का राज पता नहीं चल पाया है, पर ये बहुत ही दुखद है कि देश का रास्ते पर चल पड़ा है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।